नमस्कार दोस्तों, डायडॉग पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेफड़ों की एक बहुत ही कॉमन बीमारी जिसे अस्थमा या दमा भी कहते हैं। और अस्थमा के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है अजमेर के प्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रमोद दादीज। डॉक्टर प्रमोद हमें बताएंगे अस्थमा के क्या कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे इसकी गंभीरता का पता लगाया जाता है, क्या अस्थमा का इलाज होता है और कैसे आप अपना बचाव अस्थमा से करें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर प्रमोद दादीज सर के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद दादीज अस्थमा एलर्जी स्लीप एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट अजमेर में कार्यरत हूँ। आइए आज हम बात करते हैं कि अस्थमा में क्या होता है। अस्थमा एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसके अंदर हमारी सांस की नलियों के अंदर सूजन आती है। अस्थमा एक ऐसी रोग है जिसके अंदर हमारे एयरवेज हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर हमारे एयरवे के संपर्क में आता है तो वो एयरवे के अंदर इन्फ्लामेशन और ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होता है, इसे हम अस्थमा कहते हैं। मैं इसको इस तरह समझाता हूँ जिस तरह से हम देखें एक टच मी नॉट का लीव होता है, जैसे हम फिंगर टच करेंगे और वो सिकुड़ जाती है, ठीक उसी तरह अस्थमा के अंदर कोई भी एलर्जन, कोई भी ट्रिगर अगर आपकी एयरवे के संपर्क में आता है तो आपकी एयरवेज ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, और ये कॉन्स्ट्रिक्शन अगर कंटिन्यूस चलता रहता है तो इस डिजीज़ के अंदर इन्फ्लामेशन डेवलप होता है, इसे हम अस्थमा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अस्थमा में हमारे एयरवेज में क्या बदलाव आते हैं। मोटे तौर पे साइंटिफिक वे में बात करें तो अस्थमा में तीन चेंजेस हमारे एयरवेज में आते हैं। पहला ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, दूसरा इन्फ्लामेशन और तीसरा म्यूकस हाइपरसिक्रीशन। होता क्या है कि जब कोई भी ट्रिगर हमारे एयरवे के संपर्क में आता है तो हमारे एयरवे उसको रिएक्ट करने में कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, मतलब एयरवे थोड़ा सिकुड़ता है, इसको हम सिकुड़न में बोलते हैं। सिकुड़ने के साथ में धीरे धीरे हमारे मसल्स जो होती हैं अंदर ब्रोंकियल मसल्स, वो हाइपरट्रॉफी होती हैं और सांस की नली हाइपरट्रॉफी होने के साथ उसमें इन्फ्लामेशन होता है जिसे हम सूजन बोलते हैं। तीसरी छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं हमारे एयरवेज में जिससे कि हम बाहर की कोई भी अगर डस्ट हमारे बॉडी में जाती है तो म्यूकस ग्लैंड्स जो होती हैं, गॉबलेट सेल्स होती हैं और जो सीलिया होता है उन फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को ट्रैप करता है। तो ये नॉर्मल फिनोमेना है, लेकिन अस्थमेटिक पेशेंट में ये म्यूकस हाइपरसिक्रीशन होता है, मतलब ग्लैंड्स ज़्यादा सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा बलगम बनता है और ऐसे पेशेंट्स को खांसी के साथ बलगम की टेंडेंसी इसी कारणवश होती है। हमने ये अनुभव किया कि किसी मरीज में ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होता है, किसी में इन्फ्लामेशन होता है और किसी में म्यूकस हाइपरसिक्रीशन होता है। कभी कभी ये तीनों परिवर्तन एक मरीज में एक साथ होते हैं और जब ये तीनों परिवर्तन एक साथ होते हैं तो बीमारी की गंभीरता बहुत अधिक होती है। ऐसे पेशेंट्स में अस्थमा अटैक होता है और ऐसा पाया गया कि अस्थमा का अटैक किसी भी अस्थमेटिक पेशेंट में किसी भी स्टेज पे कभी भी हो सकता है, क्योंकि अस्थमा का अटैक किसी भी ट्रिगर से होने वाला अटैक होता है और उसके अंदर मृत्यु दर सेम है। 31% लोगों की डेथ हो जाती है अगर अस्थमा का अटैक आता है। आइए अब हम जानते हैं कि अस्थमा किन कारणों से होता है, क्या वो ट्रिगर है जो अस्थमा को बढ़ाते हैं या ऑल ऑफ अ सडन अस्थमा डेवलप कर देते हैं। अस्थमा के ट्रिगर्स की हम बात करते हैं तो अस्थमा एक जेनेटिक डिजीज है जिसके अंदर 40-80% कंट्रीब्यूशन आपके पेरेंट्स का होता है। कुछ लोगों में, जिन लोगों में अस्थमा लेट ऑनसेट होता है जिसको एडल्ट ऑनसेट अस्थमा बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक एलर्जी का अस्थमा, जो एलर्जी कारणों से अस्थमा होता है। एलर्जी के कारणों की हम बात करें तो एलर्जी को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें इंडोर एलर्जेंस और आउटडोर एलर्जेंस होते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि कुछ लोगों को अस्थमा सुबह के समय अधिक होता है, उसके अंदर मुख्य कारण इंडोर एलर्जेंस होते हैं जिसमें हाउस डस्ट माइट, कॉकरोच एलर्जेंस, इंडोर प्लांट और घर में पाए जाने वाले डस्ट ज़्यादा कॉमन होते हैं। आउटडोर एलर्जेंस मोस्टली वो होते हैं जिन लोगों को अस्थमा शाम के समय होता है या वर्किंग प्लेस पे होता है या जिनको ऑक्यूपेशन में अस्थमा होता है। हमने अनुभव किया कि जिन लोगों को अस्थमा अपने काम पे जाने के समय होता है तो वो देखेंगे कि एसी के द्वारा या कूलर के द्वारा होने वाला फंगस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एनवायरनमेंट में जो पॉलिनेशन होता है, जैसे मार्च अप्रैल के अंदर मॉस्किटोज बहुत सारे आएंगे, पॉलन्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, हॉलोप्टेलिया बंदर की रोटी राजस्थान में बहुत कॉमन है, पार्थिनियम ग्रास बहुत कॉमन है, तो ये आउटडोर एलर्जेंस जो होते हैं ये बाहर के होने वाले एलर्जेंस की वजह से अस्थमा होता है और इन लोगों को अपने वर्किंग प्लेस में या बाहर जाने पर अस्थमा बढ़ता है। इसके अलावा अस्थमा एलर्जी की वजह से, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की वजह से होता है। एसिडिटी वाले पेशेंट्स के अंदर जिन लोगों को रात के समय अस्थमा बढ़ता है उसमें मुख्य कारण रात के समय खाना खाना, रात के समय दूध चाय कॉफ़ी लेना, जिसकी वजह से गर्ड डेवलप होता है। गर्ड एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके स्टमक में एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। ऐसा पाया गया कि इसोफेजियल मैनोमेट्री के अंदर इन लोगों के अंदर
पीएच का लेवल एसिडिक हो जाएगा और ऐसे पेशेंट्स के अंदर अस्थमा ट्रिगर होता है GERD के द्वारा। जब पीएच का लेवल अस्थमा के अंदर एसिडिक हो जाएगा तो स्टमक के अंदर बनने वाला एसिड ऊपर की तरफ रिफ्लक्स के रूप में जाएगा और रात के समय 2 से लेकर 5 बजे के बीच में अस्थमा एग्जर्बेट होता है। तो जब पेशेंट्स के हिस्ट्री लेते हैं हम लोग और पेशेंट से पूछते हैं कि रात के समय आपने खाना कितना खाया, कैसा खाया, और ये जाना जाता है कि अगर पेशेंट का एसिड की वजह से अस्थमा है तो ये बिल्कुल क्योरेबल और कंट्रोलेबल डिजीज़ है। और भी रीजंस हैं अस्थमा के, जैसे हम बात करते हैं कुछ लोग ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जहाँ अस्थमा होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। जो ट्रैफिक पुलिसमैन है, जो पॉल्यूशन वाले एरिया में काम करता है, उनमें अस्थमा कॉमनली पाया जाता है। अस्थमा के साथ में अमूमन देखा गया है कि लोगों को जुकाम, छींके आना, ये कॉमनली पाया जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा साथ साथ चलते हैं। 40-80% लोगों के अंदर, जिन लोगों को जुकाम छींके होती है उन लोगों का अस्थमा होता है, या जिन लोगों का अस्थमा होता है उन लोगों को जुकाम छींके की समस्या डेवलप होती है, जिसे हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। इसका एक टर्म है जिसको बोलते हैं वन एयरवे वन डिजीज़। एक कहावत है, नोज़ हमारे लंग का हिस्सा है जिसे हम फिंगर से टच कर सकते हैं। तो अगर प्रॉब्लम आपके नोज़ में भी है तो ये मान के चलिए आने वाले समय में आपको अस्थमा डेवलप होने की पूरी पूरी संभावना है। तो जिन लोगों को साइनोसाइटिस या राइनाइटिस होता है उन लोगों का अस्थमा होने की संभावना अधिक होती है। कुछ लोगों को ड्रग से एलर्जी होती है और ऐसे पेशेंट्स ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इन ड्रग से होने वाला अस्थमा इतना डेंजरस होता है कि ऐसे पेशेंट्स को घर से हॉस्पिटल पहुँचने तक का भी समय नहीं मिलता है। कॉमन ड्रग्स जो पेन किलर्स होती हैं, नॉनसेट्स होती हैं, एस्पिरिन हैं या दर्द की दवाइयाँ हैं, उनसे अस्थमा कॉमनली होता है। कुछ लोगों को आंखों की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को ग्लूकोमा है उसके आई ड्रॉप डालने से भी अस्थमा एग्जर्बेट हो सकता है। अस्थमा अटैक को रोकने के लिए कोई भी ड्रग लेने से पहले हमारे चिकित्सक से परामर्श लें। अस्थमा का एक वेरिएंट है जिसे हम एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा बोलते हैं। वैसे तो एक्सरसाइज करना अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंग की कैपेसिटी एंड्योरेंस बढ़ने से अस्थमा को हराया जा सकता है। पर कुछ पेशेंट्स में अस्थमा एक्सरसाइज से ट्रिगर होता है। जैसे ही एक्सरसाइज करते हैं बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होते हैं। ऐसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट अस्थमा का डिफरेंट मोड पर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज ना करें, उसका एक तरीका है किस तरह से एक्सरसाइज को हम धीरे धीरे स्टेप अप करते हैं और किस तरह से हमारे लंग फंक्शंस को भी मेंटेन करते हैं। छोटे बच्चों में जिनमें पैदा होते ही प्रथम वर्ष में बार बार इन्फेक्शन होता है, जिसे पेरेंट्स समझते हैं कि साहब जुकाम खांसी हो गया या निमोनिया हो गया, ऐसे पेशेंट्स के अंदर अस्थमा होने की संभावना पूरी पूरी होती है। जो मदर स्मोक करती है या स्मोक एनवायरनमेंट में रहते हैं, उन लोगों में अस्थमा बचपन से होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस दौरान कोई भी स्मोकी एनवायरनमेंट में ना रहें, अदरवाइज आपके बच्चे को हाई रिस्क है कि उन्हें अस्थमा हो। जो बच्चे 9 महीने पहले डिलीवर हो जाते हैं, प्रीमैच्योर बेबीज होते हैं, उनमें भी अस्थमा की पॉसिबिलिटी हाई होती है। ओबेसिटी, मोटापा बहुत बड़ा कारण है अस्थमा और अन्य रोगों के लिए। आइए हम जानते हैं अस्थमा के सिम्टम्स क्या होते हैं। अस्थमा के सिम्टम्स बहुत सिंपल हैं, जो पेशेंट खुद ही पहचान लेता है। अस्थमा के सिम्टम्स में जिन लोगों को अचानक खांसी, सांस में तकलीफ के साथ सांस में सीटी ऐसी आवाज़ आना, इस तरह के सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो पेशेंट ये परसीव कर लेता है कि उसे कुछ सांस संबंधी तकलीफ होने लगी। सिम्टम्स की हम बात करते हैं तो इनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अस्थमेटिक पेशेंट में सबसे पहला सिम्टम जो है वो है वीजिंग। वीजिंग मतलब सांस में सीटी ऐसी आवाज़ आना। सीटी क्यों बजती है? सीटी इसलिए बजती है कि सांस की नली अचानक सिकुड़ गई। अगर सिकुड़न आएगी या सूजन आएगी तो सांस की नली का ल्यूमन छोटा हो जाएगा। जब सांस की नली का ल्यूमन नॉर्मल है तो उसके अंदर सांस नॉर्मल फ्लो में फ्लो करती है, लेकिन जब भी सूजन आती है या सिकुड़न होती है तो सांस की नली सिकुड़ने के साथ साउंड जो हवा का होता है वो डिफरेंट होता है। इनिशियली अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर एक्सपिरेटरी वीज आती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तब सांस में सीटी की आवाज़ आती है। ऐसी सीटी की आवाज़ अमूमन पेशेंट को तब आती है जब वो कोई एक्सर्शन कर रहा होता है या रात के समय सो रहा होता है। जब बिल्कुल साउंड नहीं होती एनवायरनमेंट में तब वो उसको अप्रिशिएट कर पाता है, लेकिन जब धीरे धीरे अस्थमा बढ़ता है तो ये साउंड, ये वीजेज थ्रू आउट द रेस्पिरेशन आना शुरू होती है। मतलब सांस लेते समय भी और सांस छोड़ते समय भी सांस में सीटी की ऐसी आवाज़ आने लगती है। तब तक पेशेंट की तकलीफ बढ़ चुकी होती है। इसके अलावा जब सांस लेता है पेशेंट तो उससे सांस की टकराहट के साथ पेशेंट को खांसी आती है। शुरू में खांसी सूखी आती है जिसके अंदर उसे कोई बलगम नहीं बनता, लेकिन जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती है उस समय उसके खांसी के साथ उसे बलगम आना शुरू होता है, और जो बलगम होता है बहुत ही स्टिकी और ग्लू के समान होता है। तो ये 3 सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खांसी के साथ चिपचिपा बलगम आना, सांस के अंदर तकलीफ होना और सांस में सीटी ऐसी आवाज़ होना। छोटे बच्चों में अस्थमा का डायग्नोसिस बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत पुअर परसीवर होते हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं होती कि उन्हें क्या बताना है और क्या बोलना है।
अमूमन ऐसे बच्चों में रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, रिकरेंट खांसी होती है और खांसी के साथ उनकी पसली तेज चलने लगती है। छोटे बच्चों में अगर आपको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं और बार बार आपको खांसी की दवाई का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो ये मान के चलिए कि आपके बच्चे को अस्थमा हो सकता है। तो तुरंत किसी विशेषज्ञ से संपर्क करके उसका इलाज लें। एक कहावत है, किल द कैट ऑन फर्स्ट नाइट। अस्थमा के पहले सिम्टम पे ही अगर हम मेडिसिन शुरू कर दें तो वो डिजीज़ आगे प्रोग्रेस नहीं करती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अस्थमा का जब अटैक आता है तो उसकी सीवियरिटी का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। अस्थमा के अटैक में मृत्यु दर 31% तक है और वो किसी भी स्टेज में हो सकती है। अस्थमा का अटैक आने पर तुरंत हमें हमारे घर में उपलब्ध इन्हेलर्स का इस्तेमाल तुरंत करना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो भी निकटवर्ती क्लिनिक या हॉस्पिटल है वहाँ पहुँच करके ब्रोंकोडायलेटर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम उस अक्यूट फेज से बाहर निकल सकें। सिम्टम्स की शुरुआत खांसी, सांस में तकलीफ, सांस में सीटी ऐसी आवाज़ आना होता है। ये इतनी स्पीड से बढ़ती हैं कि आपका पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन चेंज होने लगता है, सांस लेने की तरीका बदल जाता है। जो हम सांस छाती से ले रहे होते हैं वो सांस लेने का तरीका आपका एब्डोमिनल थोरेसिक हो जाता है, मतलब सांस आपकी गति जो इतनी तेज चलती है कि आप पेट के द्वारा भी सांस लेना शुरू कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में जब पेशेंट को तकलीफ होती है तो उसे इतना समय नहीं मिलता कि वो घर से हॉस्पिटल तक पहुँच सके। तो सिम्टम्स डेवलप होने के साथ ही हमें डॉक्टर की तरफ मूव करना चाहिए। अस्थमा का निदान किस तरह से किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने बताया कि पहला डायग्नोसिस पेशेंट खुद करता है अपने सिम्टोमेटोलॉजी के बेस पर। डायग्नोसिस के तीन तरीके हैं, पहला क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन और गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका अस्थमा को प्रूव करने का ऑब्जेक्टिव पैरामीटर जो है, इसे हम स्पायरोमेट्री लंग फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। सिम्टम्स के बेस पे हमने डायग्नोस किया, हिस्ट्री के बेस पे डायग्नोस किया, जब पेशेंट को एग्जामिन किया तो पेशेंट के सांस के अंदर सीटी एसी आवाज़, स्टेथोस्कोप के अंदर बहुत ही माइन्यूट अगर वीजिंग भी है तो वो भी इसमें अप्रिशिएट होती है। अगर सांस में सीटी की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब सांस की नली में सूजन है, चाहे वो किसी भी तरह का अस्थमा हो। इसके बाद उसको कन्फर्म करने के लिए स्पायरोमेट्री और PFT करेंगे। कुछ पेशेंट्स में स्पायरोमेट्री और PFT अक्यूट फेज में नहीं कर पाते क्योंकि अस्थमा की तकलीफ ज़्यादा होती है, तो जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है उसके बाद उसका स्पायरोमेट्री करके ये डॉक्यूमेंट करते हैं कि अस्थमा के अंदर उसके एयरवेज में कितने रिवर्सिबल कंपोनेंट हैं। कुछ पेशेंट्स में स्पायरोमेट्री में डिजीज़ डिटेक्ट नहीं होती तो उसमें हायर टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट बोलते हैं। मतलब किसी ट्रिगर से आपको अस्थमा डेवलप हो रहा है तो हम उसको वो ट्रिगर दे करके अस्थमा एग्जर्बेट कराते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज कराया या हिस्टामिन दिया या वो चीज़ें जिनसे कि अस्थमा डेवलप हो रहा है वो दे करके हम देखें कि उसके लंग फंक्शंस कितने डिटेरिएट हो रहे हैं। जब स्पायरोमेट्री करते हैं तो उसमें हम वो दवा देते हैं जिससे सांस की नलियाँ खुल सकें, जिसे हम ब्रोंकोडायलेटर बोलते हैं, जहाँ सांस की नलियों में रिलैक्सेशन होता है और स्पायरोमेट्री में आपके लंग फंक्शंस इंप्रूव हो जाते हैं, जिसको हम ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर अस्थमा तभी डिटेक्ट नहीं होता है, माइल्ड इन्फ्लामेशन आपके एयरवेज में चलता रहता है, मतलब सूजन हल्की हल्की चलती रहती है। उसे डिटेक्ट करने के लिए कुछ नए टेस्ट होते हैं जिसे हम फिनो बोलते हैं। फिनो एक नया टेस्ट है। अब हम बात करते हैं अस्थमा का ट्रीटमेंट क्या है। अस्थमा का ट्रीटमेंट सोली डिपेंडेंट होता है पेशेंट के ऊपर। अगर हमने उन ट्रिगर्स से बचाव किया, उन एलर्जी से बचाव किया जो अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हमारा अस्थमा आधा ठीक हो जाएगा। हमने अस्थमा के लिए रेगुलर एक्सरसाइजेज करी और अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग किया तो हमारा अस्थमा आधा कंट्रोल हो जाएगा और बाकी बचा हुआ काम आप चिकित्सक पर छोड़ दें। क्योंकि अस्थमा का जो ट्रीटमेंट है, जो उसका मैकेनिज्म है, जहाँ अस्थमा के अंदर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है एयरवेज के अंदर, तो हमें वह ट्रीटमेंट लेना है जो सांस की नली में जाकर के उस इन्फ्लामेशन और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को ठीक करे। तो अस्थमा का मेन ट्रीटमेंट इन्हेलर्स है, इन्हेल्ड थेरेपी है। चाहे उसके लिए कोई भी डिवाइस इस्तेमाल करें, चाहे वो ड्राई पाउडर इन्हेलर हो, चाहे वो MDI हो, चाहे वो नेबुलाइजर हो। तो इस बात को समझिए कि डिजीज़ जब आपके एयरवेज की है तो इन्हेल्ड थेरेपी से आपके सांस की नली की सूजन और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन दोनों ही इंप्रूव होंगे। और क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है इसलिए इसमें लंबे समय तक इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत सेफ हैं और जो नए स्टेरॉइड्स हैं उनकी बॉडी के अंदर सिस्टमिक बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। जिसको हम काउंट करें तो एक गोली 1.5 महीने के इनहेलर के बराबर होती है। तो स्टेरॉइड जो इनहेलर के अंदर होता है वो आपके शरीर को नुकसान नहीं करता है और वही एक तरीका है जिससे आप अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम अस्थमा का कंट्रोल अचीव कर लेते हैं, जिसे हम स्पायरोमेट्री में डॉक्यूमेंट करते हैं, तब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड की डोजेस धीरे धीरे कम करते हैं, जिसे हम स्टेप डाउन अप्रोच बोलते हैं। जब स्टेप डाउन अप्रोच से हम अस्थमा को कंट्रोल कर पाते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो विदाउट इनहेलर्स भी आ जाते हैं। डिपेंड करता है किस तरह से हमने अवॉइडेंस, एक्सरसाइजेज और इनहेल्ड थेरेपी का रेगुलर इस्तेमाल किया। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो रेजिस्टेंट
अस्थमैटिक होते हैं जिनमें दवाइयाँ काम नहीं करती, या स्टेरॉइड डिपेंडेंट अस्थमा होता है, या डिफ़िकल्ट टू ट्रीट अस्थमा होता है। ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें क्रॉनिक अस्थमा है, जिन्होंने दवाइयाँ रेगुलर ली या दवाइयाँ ले लेके छोड़ी, तो इन्फ्लामेशन इतना हाई लेवल पे हो गया कि आपके सांस की नलियाँ लेड पाइप अपीयरेंस के रूप में हो गई, जहाँ पर उसका रिवर्सिबल कॉम्पोनेंट खो गया, तो अब सांस की नली बंद और खुलना नहीं होती। ऐसे पेशेंट्स के अंदर अब जो नए एडवांस ट्रीटमेंट है वो भी उपलब्ध है, जिन्हें हम बायोलॉजिक्स बोलते हैं। बायोलॉजिक्स एक तरीका है जिससे हम उन टारगेट इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को टारगेट करते हैं जो आपके अस्थमा के अंदर सूजन और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन लाने के लिए जिम्मेदार हैं। इन बायोलॉजिक्स से स्टेरॉइड डिपेंडेंट अस्थमा को कम्प्लीटली कंट्रोल किया जाता है और काफ़ी अच्छे परिणाम इन बायोलॉजिक्स के देखे गए हैं। कुछ पेशेंट्स जहाँ पर एयरवे इतना ज़्यादा टाइट हो गया है जिसके अंदर दवाइयाँ काम ही नहीं करती, इनहेलर फुल डोज में जाने के बाद भी काम नहीं कर रही, उनके अंदर ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी एक एडवांस तरीका है जिसमें हम सांस की नलियों के अंदर एक इलेक्ट्रिकल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं, जिससे कि अंदर की सांस की नलियाँ जो होती हैं उसके अंदर एयरवे जो ब्रोंकियल म्यूकोसा थिकेंड हो गया है उसको हम बर्न आउट कर देते हैं, ताकि एयरवे का जो ल्यूमन है वो नैरो था वो एक्सपैंड हो जाए। इसको हम ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अस्थमा के बचाव के बारे में। ट्रिगर्स जो बताया मैंने आपको, इंडोर और आउटडोर। इंडोर एलर्जन से बचने के लिए घर में हम डस्ट माइट बेडशीट्स आती हैं, डस्ट माइट प्रूफ बेडशीट्स होती हैं जो हमारे बिस्तरों पर लगाई जाती हैं। घर में हेपा फिल्टर लगाया जा सकता है, इससे अंदर इंडोर एलर्जन्स जो हैं वो लेवल उसका कम हो जाता है और इंडोर अस्थमा रोका जा सकता है। इसके अलावा एक्सरसाइजेज जो हैं हमें रेगुलर करनी चाहिए। एक्सरसाइज के अंदर स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, क्योंकि जब हम स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग के समय हम मॉइस्ट एयर इनहेल करते हैं और ये बेस्ट तरीका है अस्थमा को कॉम्बैट करने का। कुछ अस्थमा की पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज हैं जिसके अंदर डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, और कुछ टेक्निक्स हैं जिसके अंदर हम अस्थमा के लिए छोटी छोटी सांस लेते हैं नाक के द्वारा और नाक के द्वारा छोड़ते हैं। एक पर्टिकुलर टेक्निक्स हैं, इस तरह की एक्सरसाइज अगर हम रेगुलर अपने लाइफस्टाइल में इनकल्केट करें तो हम अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं विद मेडिकेशंस। इसके अलावा हमें अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए डाइट पे मेजरली ध्यान देना है, क्योंकि ओबेसिटी अस्थमा को एग्जर्बेट करती है। अगर प्रॉपर हेल्दी डाइट लेंगे, रात के समय सोने से 3 घंटे पहले खाना खाएंगे, रात के समय हाई फाइबर डाइट लेंगे और आपका BMI कंट्रोल रहेगा, तो अस्थमा आपका काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। स्ट्रेस तनाव अस्थमा को बहुत हाई लेवल तक एक्सर्बेट करती है। मेडिटेशन, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ये कुछ तरीके हैं जिससे हम हमारे मन को शांत रख सकते हैं और ब्रीदिंग टेक्निक के द्वारा एक प्रॉपर ढंग से हम सांस लें। एक ऐसा प्रश्न जो अमूमन मेरे से पेशेंट्स की स्पाउस करती हैं कि क्या अस्थमेटिक पेशेंट को स्मोक करनी चाहिए। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये हम सब जानते हैं, और जो लोग अस्थमेटिक होते हैं अगर वो स्मोक करते हैं तो अस्थमेटिक पेशेंट कन्वर्ट होता है COPD की तरफ, मतलब जो रिवर्सिबिलिटी आपके लंग में है वो समाप्त हो जाती है और आपके एयरवेज रिवर्सिबल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये डिजीज़ जो साल में कभी आती है कभी जाती है वो परमानेंटली कन्वर्ट हो जाएगी आपको सांस की तकलीफ के साथ जीने के लिए। तो स्मोकिंग अस्थमेटिक पेशेंट को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और स्मोकी एनवायरनमेंट में से भी दूर रहना चाहिए। जो लोग चूल्हे में काम करते हैं या स्मोक वाला एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो उन्हें रेगुलर मास्क वियरिंग करनी चाहिए या पैसिव स्मोकिंग से बचने के लिए लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो उस एनवायरनमेंट में रहें जहाँ स्मोक ना हो। उम्मीद है आपको यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। अस्थमा या श्वास रोगों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ थे अजमेर के प्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर प्रमोद दादीत सर, जिन्होंने हमें अस्थमा यानी कि दमा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.daido.com को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल दाइडोक हेल्थ जरूर सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।